तो बंधु लोग गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखकर तो फील हो रहा है कि ये फिल्म रुलाने वाली है भाई। और वैसे भी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है गार्जियंस सीरीज की। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहां पूरी गार्जियंस की टीम किसी नए प्लेनेट में जाते हुए हमें नज़र आती है, जो कि देखने में तो अर्थ की तरह ही लगता है हूबहू, बट यहाँ के लोग अलग हैं जो कि इंसानों और जानवरों का मिक्सचर है। एंड यहाँ अपनी गार्जियंस की टीम भी नए सूट में नज़र आती है, मैं साथ में ही उनकी स्पेसशिप भी बदल चुकी है जो कि पुराने शिप से बड़ी है। तो ये लोग जो नए प्लैनेट पर पहुँचते हैं वो जहाँ तक है वो काउंटर अर्थ नाम का प्लैनेट होगा जो कि कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हाई एवोल्यूशनरी ने क्रिएट किया था, और यहाँ रहने वाले लोग भी इसी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा होते हैं। और आगे चलकर हमें ट्रेलर में हाई एवोल्यूशनरी की झलक भी देखने को मिलती है जो कि इस थर्ड इंस्टॉलमेंट का विलन होने वाला है। साथ में ही हमें इसमें एडम वॉरलॉक की भी झलक देखने को मिल जाती है जो कि गार्जियंस की टीम को पेलता हुआ नजर आता है, और इसका कनेक्शन भी हाई एवोल्यूशनरी से ही है। और इसके अलावा शायद हमें इस फिल्म में हमारे फेवरेट रॉकेट रकून की बैक स्टोरी और उसका ओरिजिन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी कुछ झलकियां हमें ट्रेलर में देखने को मिलती हैं। और ट्रेलर से कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि शायद रॉकेट के साथ कुछ इस फिल्म में बुरा होने वाला है, और हो सकता है कि वो फिल्म के एंड में निबट जाए, क्योंकि जेम्स गन ने कहा भी है कि इस फिल्म का एंड आपको रुला देगा। मतलब क्लियर है भाई कि कोई ना कोई तो निपटेगा ही, रॉकेट नहीं तो कोई और। क्योंकि एक सीन ऐसा आता है ट्रेलर में जहाँ हमें स्टार लॉर्ड को चीखते हुए दिखाया जाता है, और जैसा वो सीन है वो देखकर लगता है कि यहाँ कुछ जरूर बुरा होने वाला है, या तो स्टार लॉर्ड के साथ या फिर किसी और के साथ जिसे देखकर वो चीख रहा है। एंड इसके अलावा इसमें गमोरा की भी हमें वापसी होते हुए नजर आती है, एंड अपना ग्रूट भी अब बड़ा हो चुका है, एकदम जिम वाला लौंडा लग रहा है भाई अपना ग्रूट। और चूंकि ये जेम्स गन की मूवी है तो ह्यूमर एंड कॉमेडी का डोज भी इसमें बढ़िया मिलेगा, और जहाँ तक है फिल्म की शुरुआत हल्के पुल्के कॉमिक अंदाज के साथ ही होगी, एंड एंड होगा इसका हाई इमोशन के साथ, क्योंकि जेम्स गन बंदा जाना ही जाता है अपने कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वो तुच्छ से लगने वाले कैरेक्टर्स को भी स्टार बना देता है। तो ओवरऑल ट्रेलर एक फील दे रहा है कि भाई ये फिल्म कुछ स्पेशल होने वाली है, और ये पूरी गार्जियंस की टीम अब एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली हो चुकी है, और वो पूरा फैमिली वाला वाइब्स हमें आ रहा है। तो भाई ट्रेलर देख के तो साफ फील हो रहा है कि जब फिल्म देखने जाएंगे तो साथ में टिश्यू पेपर और रूमाल लेके जाना है, क्योंकि आंसू तो निकलने वाले हैं। तो भाई मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, और मैं एक्साइटेड हूँ इस लास्ट इंस्टॉलमेंट को देखने के लिए कि आखिर जेम्स गन क्या धमाका करते हैं इसके साथ अब। तो अगर तुम इसका ट्रेलर देख चुके हैं तो तुमको कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो। तो चलिए फ्री हैं, रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। मैं हूं विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमैन रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।